जनता दर्शन में 200 फरियादियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। समस्याओं के निराकरण के लिए अफसरों को दिए निर्देश। कहा, जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले दबंगों को सिखाओ करारा सबक। गरीबों और जरूरतमंदों के बनवाओ मकान। प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर बोले सीएम योगी। कहा, वैश्विक स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है भारत। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण। सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लुटेरों अखिलेश यादव उर्फ रतन यादव व गोलू उर्फ सत्या यादव और बेचू निषाद के ऊपर गीडा थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। सीएम योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में गोरखपुर को पहले 6-लेन फ्लाईओवर समेत 950 करोड़ की 4 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, आम समाज को जागरूक करने में प्रबुद्ध जन की है बड़ी भूमिका। गोरखपुर की बदली है छवि। नाम लेने से प्रदर्शित होता है सम्मान का भाव। आने वाले समय में नौजवानों को नौकरी व रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। कुख्यात अपराधियों भोला यादव उर्फ अखिलेश यादव व गोपाल उर्फ रामगोपाल यादव और नीरज यादव की पीपीगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया कुर्क। की जा रही आगे की विधिक कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में आर्मी रेड बनी चैंपियन। मुख्य अतिथि सीएम योगी ने टीमों व खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। कहा, खेलों के विकास खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने कहा, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस क्षेत्र में जनवरी फरवरी माह में नौका दौड़ प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। गीता प्रेस में आयोजित गीता जयंती समारोह में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, मानवीय जीवन की व्यवस्था में गीता वह पावन ग्रंथ है जिससे क्षेत्र भाषा जाति मत मजहब से परे सभी लोगों को निष्काम कर्म की मिलती है प्रेरणा। और 90वीं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने संस्थान के सभी विद्यालयों के 12,000 विद्यार्थियों द्वारा निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा को किया रवाना। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया को सलामी देने के बाद हुआ समाप्त।